अब आपके जो गोल्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? स्मार्ट, स्मार्ट का लफ्ज ऊपर लिखा है। पहला क्या है? फास्ट। दिमाग का एक और मसला है, एक तो ना का लफ्ज नहीं पकड़ता ये, और एक और मसला इसका क्या है कि ये जनरल बातें नहीं पकड़ता। आप इसे बोले ना अच्छा, तो दिमाग के लिए अच्छे की कोई डेफिनेशन नहीं। आप बोले बहादुरी, तो उसके लिए बहादुरी की कोई डेफिनेशन नहीं, क्योंकि किसी के लिए एक टायर पे स्कूटर चलाना बहादुरी है, किसी के लिए एक सांस में बहादुरी है, ठीक है ना, किसी के लिए फौज में जाके मुल्क के लिए जान देना बहादुरी है। तो बहादुरी की डेफिनेशन एक नहीं है ना, तो दिमाग को जनरल चीजें नहीं पता, दिमाग को आपको स्पेसिफिकली बताना कि चाहिए क्या। गाड़ी चाहिए तो कितने रुपीज वाली गाड़ी चाहिए, परसेंटेज देनी है तो कितने नंबर लेने, ये कितनी परसेंटेज देनी है नंबर्स में बताना, न्यूमेरिकल देना, ठीक है ना। घर खरीदना है तो घर कितने लाख का होना चाहिए, हर चीज अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यूज में देंगे ना तो फिर वो फोकस करना शुरू करता है। पहली बात क्या होगी कि जब भी कोई गोल बनाएंगे तो किस वैल्यू में होगा, नंबर्स में, ठीक है। सेकेंड, आप उसे क्या कर सके, नाप सके, देख सके कि क्या आप उस तरफ जा रहे हैं या उस तरफ नहीं जा रहे। तीसरा क्या है, वो गोल बनाए तो आप अचीव भी कर सकें। अब आप मुझे बोले सर कल हम पाकिस्तान के वजीर आजम बनेंगे, क्या है अटेनेबल है या नहीं है, पॉसिबल है या नहीं है? कल तो नहीं पॉसिबल, बाद में तो चले शायद पॉसिबल। फिर रेलिवेंट, आपकी हरकतें बता रही हूँ कि आप उस काम को करना चाहें, ठीक है ना। ये आपको बच्चों ने सी ए करना है, 10 नंबर वाला टेस्ट ही देते, रेलिवेंट सी नहीं बन रही ना। लास्ट क्या है, आपके हर गोल पे क्या रखे, टाइम लिमिट रखें कि मैंने इस साल तक ये काम करना है, वरना क्या होगा सालों गुजर जाएंगे और काम शादी होती कब है जब उसकी डेट फिक्स होती है ना, अगर डेट ही फिक्स नहीं होगी शादी होगी, ठीक है। इसी तरीके से भाई गाड़ी देंगे इस साल तो बस अब फिक्स कर देंगे ना, इस साल इतने परसेंटेज देनी है तो टाइम फिक्स हो, तो चले पेपर से ऐसे टाइम फिक्स होता है, कर लेना तो बस इस साल लेना है, छोटा बड़ा जो भी है, तो टाइम क्या रखना आपने और फिर देखेंगे उस टाइम तक आप वो काम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। और मैं आपको एक जादू बताऊं, अगर आप साल के शुरू में कुछ काम लिखे ना अपनी डायरी के, जो मैं हर साल लिखता हूँ, और साल के एंड में अगर आप उस डायरी को चेक करें, मतलब हर 7 साल भी चेक करते हैं कि करना क्या है, लेकिन साल के एंड में बैठ के देखें कि उसमें से कितने काम हुए और कितने काम नहीं हुए, तो लिटरली बताऊं उसमें से बहुत सारे काम हो जाएंगे। जादू है,